हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो वीडियो वो प्रीलिम्स स्पेशल रहने वाला है। इसमें हम LW इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट देखेंगे और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जो कि बिहार के हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, अगर मेंस में आंसर में अगर आप ये पॉइंट लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको एच मिलेगा। इवन इंटरव्यू में भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है यदि आप जो है नक्सल प्रभावित जिले से बिलोंग करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बिहार के LW इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। देखिए, अगर 2019 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखी जाए तो इंडिया में 90 जो है नक्सल प्रभावित ज़िले हैं। और अगर सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार में जो है 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि नक्सलवाद प्रभावित हैं। और बिहार से झारखंड की बात करें तो झारखंड में 19 ज़िले ऐसे हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। और अगर छत्तीसगढ़, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है नक्सल के लिए, उसके केवल 14 ज़िले हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का है तो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा बिहार में, बिहार से ज़्यादा झारखंड में। अगर बहुत कठिन तगड़ा क्वेश्चन बनाए तो ये भी बन सकता है। हम देखेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं और हम इसे याद करने का तरीका भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले LW की बात करें तो औरंगाबाद, अरवल, बांका, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास, वैशाली। अगर हम इसे अरेंज करके लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं ACJMN। मैं याद करने का तरीका बताऊंगा, RVKLGP है ना, असिस्टेंट कमिश्नर जमुना रवि, असिस्टेंट कमिश्नर जमुना रवि कल ग्रेट ब्रिटेन गए। और इसमें असिस्टेंट कमिश्नर जमुना या जुम्मन कह लीजिए आप, इसका स्क्वायर कर लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर जमुना रवि कल ग्रेट ब्रिटेन गए। तो दो ए हो जाएंगे आपके औरंगाबाद और अररिया, दो सी हो जाएंगे आपके चंपारण ईस्ट और वेस्ट, दो जी हो जाएंगे एक आपका जहानाबाद और जमुई, दो एम हो जाएंगे आपके मुंगेर और मुजफ्फरपुर, एन जो हो जाएंगे दो हो जाएंगे नवादा और नालंदा, उसके बाद आर जो हो जाएगा रोहतास, वी हो जाएगा वैशाली, के हो जाएगा आपका कैमूर यानी भभुआ, एल हो जाएगा आपका लखीसराय, जी हो जाएगा आपका गया और बी हो जाएगा बांका। तो इसे आप याद करने का तरीका, इस सेंटेंस को आप लिख लीजिए, असिस्टेंट कमिश्नर जमुना या जुम्मन, असिस्टेंट कमिश्नर जमुना रवि कल ग्रेट ब्रिटेन गए, असिस्टेंट कमिश्नर जमुना रवि कल ग्रेट ब्रिटेन गए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जमुना को आपको अंडरलाइन कर देना है कि ये जो है वो दो बार है, असिस्टेंट कमिश्नर जमुना रवि। लोगों का नाम होता है कि राहुल रवि, कोई किसी का नाम होता है ना आनंद रवि, इस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर जमुना रवि कल ग्रेट ब्रिटेन गए। असिस्टेंट कमिश्नर IRS लोग होते हैं, वैसे भी उनकी ट्रेनिंग में कुछ वीक्स के लिए वो फॉरेन जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, बिहार में कौन कौन से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है टोटल 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। और बिहार की बात करें तो बिहार में 13 हैं। और फिर हम झारखंड की बात कर लें, है ना, झारखंड में 19 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, नक्सल प्रभावित भी 19 हैं और एस्पिरेशनल भी 19 हैं। और हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के केवल 10 ही हैं जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में भी सेम वही आंसर आएगा, छत्तीसगढ़, फिर बिहार, फिर झारखंड। आइए अब देख लेते हैं, उसको भी हम याद करने का तरीका देंगे। पहले हम डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं, उसके बाद याद करने का तरीका क्या है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, सीतामढ़ी और शेखपुरा। देखिए, टोटल 13 है। अब इसे याद करने का तरीका, एक सेंटेंस इसके लिए भी आप लोग लिख लीजिए, ABKSJMNGP, है ना, अखिल भारतीय किसान परिषद जमुना जी का पानी पिया, अखिल भारतीय किसान परिषद ने जमुना जी का पानी पिया। तो इसमें अखिल भारतीय किसान परिषद को आपको अंडरलाइन कर देना, ये दो बार है। देखिए, 4 × 8 = 9 = 10 = 11 = 13। अब अखिल भारतीय किसान परिषद, दो ए हो गया आपके अररिया औरंगाबाद, दो बी हो गया आपके बांका बेगूसराय, दो के हो गए आपके कटिहार और खगड़िया, दो एस आपके हो गए सीतामढ़ी और शेखपुरा, जे आपका हो गया जमुई, एम हो गया आपका मुजफ्फरपुर, एन हो गया आपका नवादा, जी आपका हो गया गया और पी हो गया आपका पूर्णिया। तो इस तरह से आपको 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट याद रहेंगे। इस सेंटेंस को अगर आप लिख लेंगे कि अखिल भारतीय किसान संगठन या अखिल बिहार सिंह किसान संगठन जमुना जी का पानी लेने गया, जमुना जी का पानी पिया, तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने के थैंक यू।